क्या? कब? Hey, serious? Relax, सर दर्द है। बाप रे। सुन ना सेया, हमारे घर में वैसे भी हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, मुझे और टेंशन मत दे। तेरे पास हार्ट है? मुझे टेंशन होती है तुझे देखकर। ये खरीदा। ये क्या है? तुझे ना थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत है। यही सोच ले कि मैं एक मैसियोस हूँ और तू मेरा क्लाइंट। सुन, मैं गली की राघव काका से बाल कटवाता हूँ, वही मेरा मसाज करता है। सोचने में क्या इडियट? अच्छा ठीक है। सो सर, व्हाट काइंड ऑफ मसाज डू यू प्रेफर? हिंदी में बोलना, पता है ना इंग्लिश में मुझे इम्प्रोवाइज करने में दिक्कत होती है। तो फिर सर, मैं आपको कैसे मसाज देकर खुश करूं? गुदगुदी गुदगुदी हो रही है। इसे गुदगुदी नहीं कहते, बोल मजा। सुनना, एक्टिंग मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाता। एक्टिंग स्कूल में ऑडिशन भी दिया था एक बार, साइड रोल भी नहीं था। मैं ना अपनी दीदी के बेटे को ये दे दूंगी, लुका छुपी खेलेगा, किसी काम तो आएगा। रोल प्ले मुझसे नहीं होगा, जानती है ना, थोड़ा सा शर्मिला टाइप का। मेरे बॉयफ्रेंड का रोल तो कम से कम ठीक से कर ले, वो भी तो नहीं होता ठीक से। मुझे ना उजान और अमृता को देखकर लिटरली बहुत जलन होती है। उजान और अमृता, उनके घर पे एसी भी नहीं है, वो चले सेक्स करने। एहसान करता है और क्या करता है सुना? जब से प्यार किया है मेरे सारे डीपी में तू है। हाँ, बहुत घटिया घटिया फिल्टर लगाता है, वो अलग बात है। और क्या करता है? हर एक ओकेशन पे मैं तुझे हाथ से लिखकर कार्ड भी तो भेजता हूँ। पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है रे, कितनी गंदी हैंडराइटिंग है तेरी। और मैं क्या अभी तुझे लिस्ट दूँ क्या? एग्जैक्टली, वही तो दे रहा है। स्वामी, ये कोई बैलेंस शीट की बुक नहीं है कि तुझे हिसाब जोड़ना पड़ेगा। क्यों, मेरे बारे में तो कभी कोई गाना नहीं लिखा? हाँ, क्योंकि उज्जैनी नाम ना बहुत टेढ़ा बड़ा नाम है। गाना लिखना इज अ टफ जॉब, इट्स नॉट दैट इजी। अमृता जो नाम है ना, पोइट्री है, इट्स लिरिकल, तेरे इस दिमाग में नहीं घुसेगा, तू रहने दे। ये ले, तेरे जैसा ही है, कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, निकल। नहीं, मैं कह रही थी कि दरवाजे के बाहर से लेने से नहीं होता, अंदर जाना जरूरी था। अरे अरे, वैसे फ्लैट के बाहर मिलना वो थोड़ा ऑकवर्ड दिखता है। तुझे नहीं लगता तू अपने पुराने गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बन रहा था? अरे नहीं नहीं, तू समझ नहीं रही है, मैंने पूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही मुलाकात की थी, सही दूरी पर। मैं सोच रही थी तुझे अचानक स्पीकर की जरूरत क्यों पड़ गई, स्पीकर तो मेरे पास भी था। मतलब नहीं, मतलब स्पीकर की नहीं, समझ ही सकती है, एक क्लोजर की जरूरत थी। अच्छा, इसका मतलब अब से रिया के साथ तेरा कभी कभी मिलना होगा। वो तो प्रोफेशनली, और सच में मेरी बात मान, आज मेरी उससे एक उंगली भी टच नहीं हुई, सीरियसली। सुन उजान, मैं उम्मीद करती हूँ कि जब तू एक जर्नलिस्ट से झूठ बोलेगा तो 10 बार सोचेगा। अरे तू समझ नहीं रही है मेरी बात को, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ मेरा कुछ नहीं है, वो मेरी जैसे कि बहन जैसी है। तो फिर एक काम कर, इस बार उसे बोल के तुझे राखी बांध दे। हेलो गधा।